नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी सूर्यवंशी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉपिक मैंने लिया है, ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की उद्देशिका। इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रीएम्बल, तीनों शब्द इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक प्रीएम्बल ही होने वाला है। प्रीएम्बल को पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं। आप विभिन्न प्रकार की किताबों से प्रीएम्बल को पढ़ सकते हैं। आपको साइट की स्लाइड्स पे बहुत सारी बुक्स दिखाई दे रही होंगी। जैसे आपको परीक्षा वाणी की एक किताब दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको प्रीएम्बल का पेज जो है वो समझ में आ रहा होगा कि प्रीएम्बल किस प्रकार से लिखी हुई है। अन्य प्रकार के राइटर्स जो हैं उनकी भी किताबें हैं, और इन किताबों के अंदर भी प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या बताया है वो आप देख पा रहे हैं। मित्रों, आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के विचार प्रीएम्बल के बारे में आते हैं। पहला, प्रस्तावना के बारे में ये आता है कि संविधान सभा जिन्होंने प्रीएम्बल को बनाया उन्होंने किस प्रकार की प्रीएम्बल को या किस उद्देश्यों के आधार पर प्रीएम्बल को बनाया। पहली बात तो ये कि संविधान सभा के विचार। दूसरे विचार, उन राइटर्स के जिन्होंने प्रीएम्बल को पढ़ाने के अलावा संविधान सभा के सदस्यों की मनोदशा को समझा और अपने विचार उसमें जोड़ते हुए प्रीएम्बल को समझाने की कोशिश की। विद्वानों के विचार भी समझेंगे और इसको साधारण रूप से किस प्रकार से याद किया जा सकता है, इनके अर्थों को किस प्रकार से समझा जा सकता है, वो सभी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर प्रीएम्बल आ रही होगी। प्रीएम्बल जो है उसकी शुरुआत अगर कहें कि जो हमारे सामने अभी दिख रही है ये ऐसी नहीं थी। आखिर ये बनी तो बनी कैसे, इसको बनाई गई कैसे, थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों, आप सभी को पता हो कि जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, और इसकी जो अगली बैठक थी दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, इसने अपने कुछ छोटे मोटे काम किए। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक हुई और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद चुने गए। साथ ही इस तीसरी बैठक में संविधान सभा की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव रखा और ये बताया कि हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो किस उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हमें संविधान बनाना है और संविधान किन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा हमें वो डिसाइड करने हैं। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और अपनी कुछ बातें, अपने कुछ विचार इन्होंने रखे। उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर सदन के ऊपर बहस हुई, मतभेद हुए, अपने अपने सुझाव और प्रस्ताव आए। सभी सुझावों और प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर आपकी प्रस्तावना वर्तमान रूप में आपको दिखाई देती है। अब प्रस्तावना को देखा जाए तो प्रस्तावना के बारे में दो प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। पहला आता है कि प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा ली गई है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और इसमें जो कुछ शब्द हैं वो अलग अलग देशों के संविधान से प्रेरित हैं। जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपके USA के संविधान से प्रेरित हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से बन जाते हैं। अब डायरेक्ट प्रस्तावना को अगर समझें, प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार की बातें संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई हैं। अब एक एक करके संविधान की प्रस्तावना में आए हुए सभी शब्दों को समझते चलेंगे। दोस्तों, संविधान के जो सभी शब्द हैं इन सभी को अलग अलग प्रकार की व्याख्याओं से समझा जा सकता है, पर आज हम इनको संवैधानिक व्याख्या न करते हुए साधारण व्याख्या के आधार पर समझेंगे।
पहला शब्द है, सबसे पहला शब्द वो प्रियम्बल में आता है, हम भारत के लोग। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया जाए कि शक्ति का जो स्रोत है, संविधान की जो पावर का स्रोत है, वो भारत की जनता को माना गया है, और इसीलिए हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसके बाद का जो शब्द आता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि प्रभुत्व संपन्न तो ठीक है, पर इसके आगे अगर संपूर्ण शब्द जुड़ जाए तो ये किस प्रकार का व्यक्ति होगा। साधारणतः अगर समझा जाए, जैसे कि आप हैं, आप आपके जो पारिवारिक मामले हैं या आपके व्यक्तिगत मामले हैं उनमें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। जैसा कि आपके अगर पिता जीवित हैं तो आपके कुछ निर्णय आपके पिता की मर्जी के ऊपर आधारित होंगे, और आपको अगर कोई कार्य करना हो तो आप आपके पिता से पूछते हैं। तो यहाँ पर आपके पिता जो हैं वो प्रभुत्व संपन्न हैं, परंतु आपके पिता भी अभी संपूर्ण प्रभुत्व वाले नहीं हुए हैं, अगर आपके दादाजी जीवित हैं तो। आपके दादाजी जो हैं वो आपके पिताजी के मामलों में भी हस्तक्षेप करते होंगे और उनका प्रभुत्व चलता होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंतिम शक्ति जो है वो आपके दादाजी के पास आती है। तो यहाँ पर आपके परिवार में आपके दादाजी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास संपूर्ण ताकत हो, संपूर्ण शक्ति हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ यही है। अब बात की जाए भारत राष्ट्र की, तो व्यक्तिगत संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता तो अलग विषय हो जाता है, राष्ट्र के विषय में कुछ थोड़े से इसमें शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, ऐसा हमारी उद्देशिका बोल रही है। ऐसा कहने का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। भारत के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी विदेशी सत्ता, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, किसी प्रकार का अन्य देश हो, वो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखेगा। इसके अलावा भारत अपने बाह्य मामलों के अंदर, जिसके अंतर्गत शांति, समझौते, संधि, मित्रता आदि सभी संबंध आते हैं, उन सभी में स्वतंत्र होगा। भारत चाहे तो जिस देश से मित्रता करना चाहे उस देश से मित्रता कर सकता है। इन सभी मामलों में भारत को कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का एक बहुत अच्छा कार्य है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति अगर पूछी जाए तो किसमें है, तो सबसे अच्छी शक्ति होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना। अगला शब्द है समाजवाद। समाजवाद शब्द भारतीय प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था, 1976, और इसको जोड़ने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। संविधान बनाने वाले विद्वानों के सामने एक बड़ा सा प्रश्न था कि आखिर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो, क्योंकि तात्कालिक समय में हमारे पास दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं सामने थी, एक अमेरिकी प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था, रूस प्रकार की अर्थव्यवस्था USSR में जो चलती थी उस वक्त। इन दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि हम किस प्रकार की आर्थिक पद्धति को अपनाएं और किस प्रकार के सिद्धांत पर हमारा देश आगे काम करेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन और उपभोग, विनिमय और वितरण, ठीक है, इन सभी के ऊपर सरकार का स्वामित्व न होते हुए मार्केट का या प्राइवेट सेक्टर का स्वामित्व होता है। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण जैसे जो संसाधन हैं इनके ऊपर सरकार का स्वामित्व अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम बात कर चुके हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार पावरफुल है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था जिसमें शासन या सरकार पावरफुल है, जैसे कि आपको पता ही है बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है और मार्केट इस चीज़ को डिसाइड करता है, वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार हर चीज़ के दामों को निर्धारित करती है। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर देखा जाए तो सरकार का स्वामित्व होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर की होती हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि वर्तमान भारत में जहां हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री जैसी एक बड़ी प्राइवेट कंपनी है, तो वहीं हमारे पास में महारत्न कंपनियों के रूप में कोल है, भेल है, गेल है, NTPC है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की महारत्न कंपनियाँ जो शासकीय कंपनियाँ हैं वो भी कार्यरत हैं। तो अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को आप किस नाम से जानते हैं? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में वो शब्द है, और वो शब्द है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और इस अर्थव्यवस्था के मिश्रित स्वरूप को हमने समाजवाद नाम दिया है।
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है। हमारा समाजवाद जो है वो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। यहाँ पर कुछ चीज़ों पर सरकार का स्वामित्व है तो कुछ चीज़ों पर निजी स्वामित्व है। तो इस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। अगला शब्द प्रस्तावना का आता है पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द ऐसा शब्द है जो सुनने में नकारात्मक भले ही लगे, परंतु ये नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं। जैसा आपको पता है निरपेक्ष का मतलब होता है मना कर देना, नट जाना या न मानना, निरपेक्ष। परंतु यहाँ पर संविधान विद्वानों ने यह कहा है कि इस शब्द को सकारात्मक अर्थों में लिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में कोई विशिष्ट प्रकार का एक धर्म नहीं है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं। यहाँ पे आप सभी ने एक सामान्य शब्द सुना होगा, हिंदू धर्म। परंतु अगर शास्त्रों की बात करें या प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो हिंदू धर्म जैसा कोई भी धर्म हमें दिखाई नहीं देता है। अब अगर हम धर्म निरपेक्ष कहें या धर्म को मानने वाला देश कहें तो भारत के पास किसी प्रकार का एक विशेष धर्म बचता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे धर्म हैं जो आए हैं, परंतु हमारे पास एक लाइफस्टाइल है जिसको हम हिंदू लाइफस्टाइल कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी इसको कहता है कि भैया भारत के अंदर चलने वाला जो हिंदू धर्म है ये धर्म नहीं होते हुए एक लाइफस्टाइल है। और इस लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग पंथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति शंकर भगवान को मानता है तो वो शैव धर्मी होगा, अगर वो विष्णु को मानता है तो वैष्णव धर्मी होगा, अगर वो महावीर को मानता है तो जैन समुदाय से संबंधित होगा, और अगर बौद्ध को मानता है तो बुद्ध धर्म से संबंधित अनुयायी होगा। इस प्रकार से सिख हो गया और अन्य प्रकार के जो धर्म हैं, पंथ हैं, वो हमारे इसमें जुड़ जाते हैं। इसीलिए संविधान विद्वानों ने यह कहा कि हम सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी भी आस्था की वो होती है पंथ, और हम पंथ से भी निरपेक्ष हैं। अब निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी का अनादर या आदर नहीं करते, परंतु यहाँ पर सकारात्मक अर्थ है, मतलब हम सभी का आदर करते हैं, सभी से निरपेक्ष हैं, हम सभी को मानते हैं। इस प्रकार से भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बन जाता है। अगला शब्द आता है आपका लोकतंत्र। प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है। तो आपको दिख रहा होगा एक फ़ोटो, इस फोटो को आप पहचानते हैं, ये है अब्राहम लिंकन साहब। और इन्होंने लोकतंत्र की बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा होने वाला शासन ही लोकतंत्र है। अर्थात साधारण शब्दों में अगर समझे तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करता है और वो जनता के द्वारा ही जनता के हित में काम करता है और वो जनता का व्यक्ति ही होता है। ठीक है, तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होने वाला शासन लोकतंत्र है। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, ये हमारे उद्देशिका को फुलफिल भी करता है। अगला शब्द यहाँ पर आता है गणराज्य। अब गणराज्य को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। हमारे पास इतिहास में बहुत सारे जनपद थे, आपने सुना होगा 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में बहुत सारे ऐसे जनपद थे जहाँ पे गणराज्य या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती थी। तो गणराज्य का कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है। गणतंत्र का साधारण सा अर्थ होता है कि यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख है वो एक राजा होता है, परंतु इस राजा का चुनाव जो है वो किस प्रकार से होता है ये गणतंत्र का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है। राजा का चुनाव यहाँ पर गण मतलब जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो राज्य मिलकर राजा का चुनाव करते हैं। गण मिलकर राजा का चुनाव कर रहे हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है गणराज्य। इस गणराज्य का प्रमुख जो होता है गणराज्यपति कहलाता है। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो भारत एक गणराज्य होगा। अब हमारे पास कोई राजा तो है नहीं जिसको हम गणराज्य का प्रमुख बना दें, इसीलिए हमने व्यवस्था करी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो गणतंत्रात्मक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा और इसका राजा के रूप में काम देखेगा। तो जैसे हमारे पास राष्ट्रपति है उसको आप राजा मान सकते हैं। अब होता है कि गणराज्य में जो राज्य है वो उसका चुनाव करेंगे, तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए भी हमने गणराज्य प्रथा को ही अपनाया है। और यहाँ पर हमारे जितने भी राज्य हैं भारत के वो सभी राज्य जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी करते हैं। जैसा आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसके आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली चुनी गई है। हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जहाँ संसद के सदस्य जो हैं
जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो वहीं विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार से पूरे गणराज्य के मुखिया का चयन किया जाता है, तो भारत एक गणराज्य हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हमारे पास दो दिवस मनाए जाते हैं, 15 अगस्त जिसको अपन कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, और एक दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी जिसको कहते हैं गणतंत्र दिवस। याद रखिएगा कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से आपके माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि गण का प्रमुख है तो गणतंत्र दिवस पर आपके राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं। तो गणतंत्र से राष्ट्रपति को याद रखना आपके लिए आसान होगा कि गण का प्रमुख राष्ट्रपति और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा वंदन करते हैं। अगला शब्द आता है न्याय। न्याय ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल है, और किसी भी देश के संविधान के लिए न्याय सभी चीज़ों का आधार है, क्योंकि न्याय देने के लिए ही तो हमने संविधान की रचना की है। हमारा संविधान कितने प्रकार के न्याय देता है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो न्याय जो है हमारे संविधान में वो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सुना होगा पूरी लाइन। तो यहाँ पर एक एक शब्द लेते चलते हैं। सामाजिक, संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात रखी। जैसा कि आप सभी को पता है पुरानी स्मृतियों में कि भारत में सामाजिक भेदभाव का एक बहुत लंबा दौर रहा, और उस दौर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक प्रभावित किया, जहाँ भारत के सभी वर्ग आगे बढ़ सकते थे सामंजस्य एकता स्थापित करके, वहीं वर्ग विभेद के कारण हमारे यहाँ पर सामाजिक एकता न होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी पिछड़ी, और हमारे पास एक सामाजिक रूप से दबा हुआ वर्ग भी सामने आया। इस दबे हुए वर्ग को उत्थान करने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय देने का फैसला किया, और इस सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमने हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए हैं। जैसे कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 16(4), 15(4) इस प्रकार के अनुच्छेद वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है। अगला शब्द है हमारे पास राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय एक ऐसा न्याय है जो व्यक्ति को राजनीतिक रूप से जीवित रखता है, ठीक है। और राजनीतिक न्याय वास्तव में बहुत बड़ा न्याय है। इस न्याय का उपयोग करते हुए व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, अगर आप किसी स्पेशल वर्ग या जाति या क्षेत्र से आते हैं, वर्ग जाति या क्षेत्र से आते हैं, तो आपके क्षेत्र की कुछ समस्याएं होंगी, आपके वर्ग की कुछ समस्याएं होंगी, आपकी जाति की कुछ समस्याएं होंगी। अब अगर आपके राजनीतिक अधिकार आपके पास नहीं हैं तो आप अपने राजनीतिक मंच पर अपनी समस्याओं को नहीं रख सकते। तो राजनीतिक अधिकार आपको आपकी समस्याओं को राजनीतिक मंचों पर रखने की इजाज़त देता है। इसके लिए आप निर्वाचन का उपयोग करते हैं। आपका राजनीतिक सबसे अच्छा अधिकार है निर्वाचन। वोट करते वक्त आप अपनी समस्याएं अपने जनप्रतिनिधि को बताते हैं, जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देता है, और आप उस व्यक्ति को चुनते हैं। चुनने के बाद आप उससे उपेक्षा करते हैं कि वो आपके कार्य करे, परंतु वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, वो अलग बात है, ठीक है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। परंतु अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीतिक न्याय आपको बहुत शक्ति प्रदान करता है। राजनीतिक न्याय आपको संसद में पहुंचने की पावर देता है। आप संसद में पहुंचिए, चुनाव लड़िए या वोट डालिए, अपने प्रतिनिधि को चुनिए या खुद प्रतिनिधि बनिए, अपने हक की बात रखिए और अपने राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित कीजिए। तो इस प्रकार से राजनीतिक अधिकार रखा गया है। अगला शब्द है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय रखने के लिए या इसको सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे विभिन्न प्रावधान किए हैं। प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक न्याय शब्द रखने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी ने बचपन से सुना होगा कि भारत तो सोने की चिड़िया है, तो भारत सोने की चिड़िया है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं था। जब हम आज़ाद हो रहे थे तब भारत वो सोने की चिड़िया का अपना मुकाम खो चुका था। भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग कारण थे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही विकृत हो चुकी थी। अगर इतिहास के पन्नों को पलटाया जाए तो बहुत सारे ऐसे श्लोक सामने आते हैं, जैसे कि सत्य नापि ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शूद्रापि धन मासादय, ब्राह्मणानेव बाध्यते। बहुत अजीबोगरीब प्रकार का ये श्लोक है। इसका अर्थ इतना है कि धन का संकेंद्रण नहीं करना चाहिए कि स्पेशल समुदाय को,
और धन का संकेंद्रण अगर वो करेगा तो किसी स्पेशल समुदाय के लिए वो बाध्यकारी होगा। इस प्रकार की सोच से भारत का एक तबका आर्थिक अधिकारों से वंचित रहा और इन्हीं आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और भारत की अन्य जनता को भी उनके आर्थिक अधिकार देने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर आर्थिक न्याय रखा। आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान संविधान में किए गए हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 16(4) में और आर्टिकल 15(4) में भी इस प्रकार के आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, नौकरी करने के लिए विशिष्ट प्रकार की चीज़ें दी गई हैं, अलियन प्रकार के उपबंध किए गए हैं। अगला शब्द है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं देती हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और ये स्वतंत्रताएं हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पहले प्रकार की स्वतंत्रता विचार की। आप किसी भी प्रकार का विचार अपना सकते हैं, किसी प्रकार का विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का विचार सोच सकते हैं। अच्छा, अभी आपको विचार को सोचने की स्वतंत्रता दी गई है, आपके विचारों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया है, ठीक है। अब अगर आपको विचार सोचने की स्वतंत्रता तो दे दी गई, पर अगर उसको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता न दी जाए तो विचार करने की स्वतंत्रता के कोई मोल नहीं रह जाते। इसीलिए अगला शब्द आता है अभिव्यक्ति। आपने कुछ विचार किया, अब उस विचार को आप अभिव्यक्त करेंगे। अभिव्यक्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं। आप लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक शायर के रूप में, गज़लकार के रूप में, गीतकार के रूप में। आप कुछ डिज़ाइनें बना के पेंटर के रूप में कर सकते हैं, आप शिल्प बना के मूर्ति के रूप में कर सकते हैं, आप बोलकर एक वक्ता के रूप में कर सकते हैं। आपकी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के बहुत सारे अलग अलग चरण हैं जिनका उपयोग आप करके अपनी विचारिक जो सोच है उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये आपको संविधान जो है, प्रस्तावना जो है, वो पावर देती है। अगला शब्द है विश्वास। विश्वास का ये है कि आप किस चीज़ पे विश्वास करना चाहते हैं, आपकी जो आस्था का केंद्र है, जो आपका विश्वास है, जो आपका फेथ है, वो किस प्रकार का है, इसमें पूर्णतः स्वतंत्र है। राज्य आपको किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कि आप इस चीज़ में विश्वास करिए और इसमें मत करिए। आप पूर्णतः व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं आपके विश्वास को लेकर। यह आपकी प्रस्तावना आपको पावर देती है। अगला है धर्म। धर्म जो है शब्द, ये आपको अपने धर्म को मानने और उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर देता है। जैसा कि धर्म को मानना एक इंटरनल मैटर है, आप अभी मुझे देखकर यही नहीं बता सकते कि मैं किस धर्म को मानता हूँ, ठीक है। अगर आप किसी प्रकार के किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसको बारे में नहीं बता सकते, परंतु जब आप उसके उपासना करने के तरीकों को देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो किस धर्म को मानता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इस प्रकार से अपने धर्म को मानता है तो आप एक्सप्रेस कर देंगे कि वो किस धर्म को मानता है। कोई अगर इस प्रकार से अपने धर्म की उपासना करता है तो आप समझ जाएंगे। अगर वो हाथ फैला के उपासना करता है तो आप समझ जाएंगे। अगर वो दंडवत करता है तो आप समझ जाएंगे। उपासना शब्द आपको समझ में आ गया होगा। उपासना धार्मिक भावना को एक्सप्रेस करने के लिए आपको उपासना करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। अब बात की जाए अगले शब्द समानता की, तो हमारा संविधान हमें दो प्रकार की समता के अधिकार देता है। एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। आखिर प्रतिष्ठा और अवसर ही शब्द क्यों रखे गए, प्रश्न उठ रहा होगा आपके दिमाग में। अगर नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए था। अब प्रतिष्ठा और अवसर, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि संविधान जब बन रहा था तब हमारे समाज में कई अलग अलग प्रकार के धड़े थे, धड़े मतलब पार्ट, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के समुदाय के लोग थे। जैसे कि देश अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ था, ठीक है, प्रतिष्ठा के लेवल पर। अब आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों को नाइट की उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि दी गई थी, लॉर्ड की उपाधि दे रखी थी, मेयर की उपाधि दे रखी थी, अन्य अलग अलग प्रकार की उपाधियाँ दे रखी थी। ये प्रशासनिक उपाधियाँ थी या कार्य की उपाधियाँ थी या सरकार के द्वारा खुश होकर दी गई उपाधियाँ थी। इसके अलावा कुछ सामाजिक उपाधियाँ हमारे देश में प्रचलित हैं, जैसे कि महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008, इसी प्रकार की बहुत सारी उपाधियाँ आप सुनते हैं। अब यहाँ पर ये जो उपाधियाँ हैं ये एक प्रकार से थोड़ी सी समता के लेवल में डिस्प्यूट करती हैं। कैसे डिस्प्यूट करती हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नाइट हूँ, एक कहता है कि मैं सर हूँ, एक कहता है मैं लॉर्ड हूँ, अब इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन बड़ा हुआ। फिर एक आ जाते हैं कि मैं महामंडलेश्वर हूँ, अब कौन बड़ा हुआ इन चार लोगों में से।
अब इस प्रकार की चार लोगों में मतभेद हुए कि मैं बड़ा, तो यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने कहा कि नहीं साहब, आप सभी इक्वल हैं और आप सभी से आपकी जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा के रूप में जो आपकी उपाधियां हैं वो सब छीन ली जाती हैं, इसलिए हमने आर्टिकल 18 बनाया, उपाधियों का अंत, और भारत के सभी लोगों को प्रतिष्ठा के लेवल पर समान कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 18 में बहुत सारे और क्लॉज हैं, उनको बाद में देखेंगे, परंतु ये भी समझने वाली बात है कि प्रतिष्ठा जो है वो हर व्यक्ति की बराबर करने के लिए भारतीय संविधान ने काम किया। कोई ऊंचा था, कोई नीचा था, उन सभी को एक समान धड़े पे लाके रख दिया। अगला आता है अवसर। जब सभी को समान प्रतिष्ठा हो गई तो यहाँ पर अवसर भी उनको समान सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि राजा का लड़का ही राजा बने। अब यहाँ पर राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, राजा उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसमें सर्वाधिक योग्यता होगी। योग्य तो बहुत सारे होते हैं, पर जिसमें सर्वाधिक योग्यता होगी वो किंग बनेगा। ये सा हमारी संविधान की प्रियम्बल ने डिसाइड किया। इसीलिए हमने कहा अवसर की समता, और अवसर की समता दिलाने के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रियम्बल देती है आपको न्याय, देती है आपको स्वतंत्रता, देती है आपको समता। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर बनता है कि कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता और कितनी प्रकार की समता। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और ढंग से समझ लीजिए। अगली लाइन है प्रस्तावना की कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक वर्ड आता है अखंडता। संविधान के इस अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, और यहाँ पर बताया गया कि भारत जो है वो अखंड राज्य है। अखंड राज्य अर्थात भारत के राज्यों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। अखंडता शब्द जो है वो इसी प्रकार का है कि भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, अर्थात भारत के राज्यों के जितने चाहे टुकड़े करना चाहो कर सकते हो। एमपी से छत्तीसगढ़ बना सकते हो, एमपी छत्तीसगढ़ यूपी बिहार सबको तोड़ तोड़ के अलग अलग राज्य बना सकते हो, परंतु किसी भी राज्य को भारत से बाहर आप नहीं कर सकते। इस प्रकार के शब्द को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। एकता वर्ड आपको समझ में आता ही है कि यहाँ पर आपके भारत के सभी नागरिकों को एकता से रहना है, तो यहाँ पर गरिमा वर्ड भी है। अलग अलग प्रकार के शब्द यहाँ पर बहुत साधारण से शब्द आपको समझ में आते हैं। अगला शब्द आता है दृढ़ संकल्पित होकर। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन सभी ने दृढ़ संकल्पित होकर एक तिथि निर्धारित करी, जिसका जो तारीख थी वो थी 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत का अर्थात संविधान को एज अ अपने बॉडी पार्ट के रूप में अपनाया गया, अंगीकृत। अधिनियमित, इसको रेगुलेट किया गया, इसकी बहुत सारे जो बंद थे 26 नवंबर के दिन लागू किए गए। और आत्मार्पित, इसको किसको अर्पित करेंगे, तो इसको स्वयं की आत्मा को अर्पित किया। इस प्रकार से आपकी जो प्रस्तावना है वो बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनाई गई और उसका एक सटीक प्रकार का प्रारूप भी आपके सामने मौजूद है। अब बात करें कि प्रस्तावना के जितने भी उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ की जाती है, तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में और मौलिक कर्तव्यों में आपकी प्रस्तावना के उद्देश्य वर्णित किए गए हैं। साथ ही साथ उद्देशिका के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कुछ जजमेंट भी दिए हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम में जानने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि क्या जो उद्देशिका है वो आपके संविधान का अंग है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले केस आया ईडी बेरुबारी बनाम भारत संघ। ये वाद आया था सन 1960 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु इन्होंने साथ में स्पष्ट और भी किया कि जब कभी भी संविधान की भाषा असंदिग्ध हो तो उसको समझने के लिए आप संविधान की प्रस्तावना का उपयोग कर सकते हैं। प्रस्तावना जो है वो आपके संविधान की कुंजी है। इस प्रकार के विचार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी बेरुबारी के बाद में प्रस्तुत किए गए। फिर एक और केस आता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के केस में 1973 में वाद आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय ईडी बेरुबारी के केस को जो निर्णय दिया था उसको पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, साथ ही इसके अंदर संविधान संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु संविधान संशोधन ऐसा ना हो कि वो संविधान के मूल आधारभूत ढांचे के खिलाफ हो, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आपका संविधान है वो न्याय योग्य नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया यहाँ पर कि आपकी जो प्रियम्बल है वो न्याय योग्य नहीं है, अर्थात आप अपने प्रस्तावना में लिखी हुई किसी भी बात के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय के अंदर न्याय मांगने नहीं जा सकते। न्याय योग्य बनाया गया है अनुच्छेदों को, ना कि आपकी प्रस्तावना को। एक और केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें तात्कालिक न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला साहब ने प्रस्तावना के विषय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। के एम मुंशी जी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहकर संबोधित किया है। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी प्रश्न आए तो आप इसका उत्तर यहाँ से लगा सकते हैं। अब रही बात प्रस्तावना के सभी बिंदुओं को समझने की, तो हम सभी चीज़ों को समझ चुके हैं और यहाँ से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं वो भी हम देख चुके हैं। प्रस्तावना के विषय में सभी प्रकार के तथ्य इस वीडियो में संकलित किए गए हैं, इसको आप जितनी बार भी दोहरा के सुनेंगे आपको समझ में और स्पष्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर किसी अन्य विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही और आगे जुड़े रहिए, देखते रहिए सूर्यवंशी एकेडमी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।